राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सभी धार्मिक स्थल खुले रहने पर तो कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन उस धार्मिक स्थल में भक्त के जाने पर पाबंदी को लेकर अलग अलग धार्मिक स्थल के प्रधान की अलग अलग राय है। जहां अधिकतर लोग इस फैसले पर नाराजगी जता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। इस आदेश के बाद जहां मंदिर से जुड़े प्रबंधन का साफ तौर पर कहना है कि ये फैसला सही नहीं है, क्योंकि मंदिर में ऐसा तो नहीं होता कि भीड़ एक साथ आती है। लोग एक दो करके ही भगवान के दर्शन करने आते हैं और मंदिर में सैनिटाइजर के इंतजाम के साथ साथ आने वाले लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा जाता है। और जब मंदिर में लोग नहीं आएंगे तो पुजारी जो देखरेख करते हैं उनके लिए पैसे कहां से आएंगे। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधन भी इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहा है। इनके अनुसार इस संकट की घड़ी में संगत गुरुद्वारे नहीं आएगी तो कहां जाएगी। ये तो अजीबोगरीब फैसला है, क्योंकि पिछले कोविड के वक्त सबने देखा कि सरकार ने क्या किया और गुरुद्वारों ने लोगों की मदद कैसे की। वहीं मस्जिद से जुड़े लोग इस फैसले को लोगों की जान बचाने वाला बता रहे हैं। इनके अनुसार हालात जिस तरह से बदल रहे हैं उसमें ये फैसला बेहतर है और इसमें धार्मिक संस्थानों के प्रमुखों को लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। सभी धर्म स्थल खुले रहेंगे लेकिन भक्त नहीं आएंगे। मुझे इस बात का जवाब दे दें कि हम जो महिलाएं हैं सुबह सुबह आती हैं, नहा धोकर आती हैं, बाकायदा हमारी सैनिटाइजिंग सब कुछ लगा हुआ है। अगर वो दाल चावल चीनी वगैरह कोई थोड़ा ला के अगर मंदिर में पंडितों का अगर पेट भरा जाता है या उनकी कोई समस्या का सॉल्व निदान निकलता है तो क्या वो भी बंद कर देना चाहिए? मंदिर कमेटी कब तक और कहाँ तक और कैसे देगी? हम 2 साल 2.5 साल तक तो हमको चंदा भी नहीं लिया हमने, क्योंकि मंदिर ही बंद थे, हम किस लिए लेते थे? देखो, धार्मिक स्थल खुले हैं और भक्त नहीं जा सकते तो उसका क्या फ़ायदा है? उसमें अगर पब्लिक नहीं आएगी तो धार्मिक स्थल किस लिए? धार्मिक स्थल तो तभी हैं कि जहाँ सब संगति रूप में संगत आ सके। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि शायद गैदरिंग अगर अलाउड नहीं है, वो एक सोचने वाली बात है कि शायद गैदरिंग अलाउड नहीं होनी चाहिए, मगर भक्तों का आने जाना, संगत का आना जाना, मत्था टेकना, नतमस्तक होना, किसी ने अपने दुख दर्द के लिए निवारण के लिए अरदास करनी है, किसी ने कुछ करना है, तो वो कहाँ जाएंगे? अगर वो परमात्मा के पास भी नहीं जाएंगे, जब पिछला कोरोना हुआ था आपका सारा सिस्टम फेल हो गया, किसने रखा? परमात्मा ने रखा सबको। देखो, बात ये है, जनता से सरकार है और सरकार से जनता है। सरकार का जो ये फैसला है ये इंसानों को बचाने के लिए एक फैसला है, बहुत अच्छी पहल है। और जो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक गुरु हैं, उन्हें बढ़ चढ़ कर इसमें सरकार का बहुत ज़्यादा सहयोग करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। जो सरकार की मंशा है, जो सरकार चाहती है कि बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा रुकावट में आए, कंट्रोल में आए, तो जो सरकार का ये फैसला बहुत अच्छा कदम है। और उससे भी ज़्यादा हमें आपको मिलजुल कर इस कदम को सरकार के आगे बढ़ाना चाहिए और सरकार की जो मंशा है, जो चाहत है, उसको जो है तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए।